सारी पागल है क्या स्नैपचैट वाले, बंदों को तमीज नहीं है भाई। भाई मत किया करो यार फोन प्लीज भाई, सुबह 4 बजे कॉल आ जाती है, बताओ शर्म तो कर लो यार। सुबह तुम कहाँ फोन कर रहे हो, सुबह सुबह कोई बंदा सो रहा होगा। मैं इतने सारे बंदों को ब्लॉक कर चुके हैं, मतलब लिटरली मुझे इतना तेज गुस्सा आता है कि मैं क्या बताऊँ यार। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। कुछ अलग लग रहा है आज मेरे अंदर। यस, आज मैंने लगाया काजल जो कि मेरे पर नहीं सूट करता बिल्कुल भी, बट फिर भी मैंने लगा लिया है। और अब का सीन कुछ ऐसा है, मैं नहा के झाड़ू पोछा करके एकदम ऑल सेट, और अब मैं बनाने जा रही हूँ छोले भटूरे। मैं आपको उसकी रेसिपी बताऊंगी मैंने कैसे कैसे बनाया। बहुत ही मतलब स्वादिष्ट बनता है मेरे हाथ के छोले भटूरे तो मतलब मम्मी बनाएगी, छोले बहुत अच्छे बनते हैं मेरे हाथ के। तो चलिए गाइस, 12:15 हो गए हैं, लेट ना नहीं करते हुए फटाफट से बनाते हैं, थंबनेल ले लेते हैं। ओ फ्रेंड्स, यहाँ लिए थे मैंने 3 मुट्ठी छोले जो कि मैंने रात को भिगो दिए थे। ये बड़े होने वाला छोला है, ठीक है। यहाँ पे मैंने काट लिया है टमाटर को, कद्दूकस कर लिया है, अनियन को चॉप कर लिया है, ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना लिया है। तो चलिए गाइस फटाफट से अब हम अपना कार्य शुरू करते हैं। इसमें मैंने 2 चम्मच छोले मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच अमचूर पाउडर मिलाया हुआ है। और यहाँ पर मैंने अपने प्याज को भूनने के लिए रख दिया है, गोल्डन ब्राउन होने तक का वेट करते हैं फिर। फ्रेंड्स, मैंने प्याज के साथ साथ अपना जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मिला दिया है, क्योंकि अगर हम लोग बाद में मिक्स करते हैं ना तो फिर स्मेल आती है। तो मतलब अनियन के साथ ही इसको हमें पूरा भून लेना है अच्छे तरीके से। और छोलों का मेन होता है प्याज, अगर प्याज अच्छे से आपके भुने होंगे तभी छोले में टेस्ट आएगा, वरना छोला में टेस्ट नहीं आएगा। और जो मैंने छोले लिए हैं ये हैं काबुली छोले, ये छोले हैं इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। तो गाइस, यहाँ पर मेरा प्याज जो है अच्छी तरीके से भून चुका है। मतलब पहले आप देख ले कि आपका प्याज हुआ कि नहीं, अगर प्याज नहीं भूनेगा तो फिर सब्जी में टेस्ट नहीं आएगा छोला में। और अब हम इसके साथ साथ डालते हैं टमाटर। अच्छे से मसाले बना ले पहले आप, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस चालू करेंगे, क्योंकि छोले में होता है मेन मसाले। अगर मसाले अच्छे बनेंगे तभी आपके छोले में टेस्ट आएगा, अदरवाइज आपके छोले में टेस्ट नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मसाले में बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। और जो मैंने मतलब कटोरी में लिए थे मसाले, मिर्ची, धनिया पाउडर और आपका वो अमचूर पाउडर, वो सब मैंने मिला दिया है इसमें। अब छोले का जो राज होता है वो होता है हमारा टी बैग। तो मैंने बनाया नहीं है, बट मैं दिखाती हूँ मैं आपको कैसे छोले में कलर दिखाऊंगी। दोस्तों, अगर आपको छोले में लाल कलर चाहिए तो आप लोग मिक्स कर सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्च, हमने भी यूज़ करी है। एवरेस्ट की देखिए कलर रेड हो गया, बट अभी मैं इसमें टी बैग मिलाऊंगी, उसके बाद आप उसका कलर देखिएगा। ये मेरे छोले हैं, 1 बजे सो के उठा है और ना ब्रश करना ना कुछ करना, बस जा। गाइस, यहाँ पर मैंने छोले अपने डाल दिए हैं और यहाँ पर मैंने पानी में 2 चम्मच लिया हुआ है ये चाय पत्ती। इस छोले देखिए बिना टी बैग के क्या मस्त कलर आ रहा है। और यहाँ पे मेरा जो है चाय पत्ती पक रही है अभी, इसको आराम से पहले पकने देते हैं, उसके बाद हम इसको छानेंगे। तो गाइस, यहाँ पर मैंने चाय पत्ती का पानी मिलाया पर अभी वो पूरा मतलब टॉप पर नहीं आया, तो मैंने अभी थोड़ी सी और यहाँ पे पानी डाल के अभी उबालने के लिए रख दिया है। जैसी उबलती है फिर हम लगाएंगे तड़का। ये मेरे मसाले जो हैं हो गए ना, हम इसको पलट देंगे, इसको बंद भी कर दे, इसको तो बंद कर दे, तड़का तो देंगे। अबे यार मम्मी मिर्च तो डाली ली, अरे अब सरसों का तेल डाल दे थोड़ा सा।
सरसों का तेल डाल दे। तो मैंने मिर्च ना ऐसे ही डाल दी, मैंने फिर नहीं लगाया तेल वेल का भी तड़का। और यहाँ पे ये देखिए, आहा क्या मजेदार छोले बने गाइस। अब बनाएगी मम्मी भटूरे। गाइस ये मम्मी ने सुबह ही आटा लगा दिया था, तो इसमें मैदा, अजवाइन, दही और हल्की सी नमक है। और यहाँ हमारे छोले सॉरी भटूरे इज ऑन प्रोसेस। तो मेरा ना कल रात छोले भटूरे खाने का जी हुआ। वैसे तो खैर मतलब मम्मी ने राजमा भी खाए थे, बट मैंने कहा राजमा नहीं खा रहे हैं, हम तो छोले भटूरे खाएंगे। तो मम्मी बना रही है छोला भटूरा। तो गाइस ये है मेरे छोले भटूरे, छोला भटूरा। ले डॉगी 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 डॉगी। गाइस ये डॉगी देखो, एक बार तो सो के इस डॉगी को बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है कि कपड़े पहन के सोते हैं। गाइस ये डॉगी खुद से काट, चल नवाब थोड़ना है। ओ गाइस ये मेरे छोले भटूरे फ्लैश क्यों नहीं आ रहा। तो गाइस ये मेरे छोले भटूरे हैं जो कि बहुत ही स्वादिष्ट हैं। भाई कैसे हो रहे हैं? ठीक हो रहे हैं। तो गाइस छोले भटूरे खाने के बाद पेट हो गया ऐसा डम डमरू सा, ये देखो। और अभी हम देख रहे हैं मम्मी और मैं मूवी आ रही है अनटोल्ड धोनी स्टोरी। हम छोले भटूरे को चिल कर रहे हैं मूवी के साथ। अभी मैं कोक वोक मंगवाती क्योंकि ना डकार नहीं आ रही, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पांच खा लिए मैंने भटूरे। यार मैं कितनी बुरी सी लग रही हूँ काजल लगा के यार। गुड आफ्टरनून गाइस, ये मैं जो आज शूट कर रही हूँ ये मैं दो दिन बाद कर रही हूँ। जो आपने मेरे छोले भटूरे का देखा था वो दो दिन पहले का था। मैं अगले दिन कहीं चली गई थी तो मैंने शूट नहीं करा था, और कल जो था मेरा मन नहीं था। तो अभी मैं नहा के सफाई वगैरह करके थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह धोए थे, पायदान वगैरह, तो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। या मेरे सर में ना डैंड्रफ हो गया है और ना बहुत ही तगड़ी वाली ना खुजाई मच रही है, तो आज मैंने वो सब किया था, दही कपूर वगैरह। अब देखती हूँ अगर इससे फ़र्क पड़ेगा तो मैं आपको भी बताऊँगी। गाइस कैसे आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। तीन दिन बाद होली आ रही है, होली है मतलब आ के आ रही है, होली तो अब चल ही रही है। पिंपल आ गया क्या? मैं कहीं घूमने जाने वाली थी जो ये टपक गए। कोई घूमने का प्लान तो था नहीं, बट मेरा मतलब पिंपल तब भी आता जब मेरा कहीं घूमने का प्लान होता, कहीं ट्रिप पे, तो हो सकता है कि कहीं मेरी मतलब ट्रिप भी लगी जाए। बट अभी तक तो ऐसा कोई सीन नहीं है यार ट्रिप ट्रिप का। बट ये पिंपल एक यहाँ हो रहा है, एक शायद यहाँ है, एक ये रहा दिख रहा होगा, एक कहीं यहाँ कहीं था। तो तीन पिंपल्स आ रहे हैं, तो उसका मतलब मैं तीन ट्रिप पे जाने वाली हूँ सोन। अब देखते हैं कहाँ चलते हैं कहाँ नहीं चलते हैं। फिलहाल तभी तो घर पे बैठ के चाय की चुस्कियाँ मार रहे हैं। और क्या, बस कुछ नहीं खाना वाना खाया। खाने में क्या था, बड़ी की सब्जी और चावल। और अभी टाइम हो रहा है 2:30, और मुझे अब टाइम मिला है शूट करने के लिए नहा कर, क्योंकि मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, और मैंने खाना वाना नहाने से पहले खा लेता। मैं नहाई खाना खाने के बाद, सफाई वगैरह करने के बाद, तो बाल कुछ फ़र्क तो लग रहा है मुझे। अब देखते हैं गाइस क्या होता है। तो चलिए अब क्या करते हैं। पहले मैंने सोचा मैं होली की शॉपिंग कर लूँ। किसकी कॉल आ रही है यार, ये स्नैपचैट वाले तो। हाँ तो गाइस पहले मैंने सोचा था कि मैं होली के लिए नया कुर्ता लेगी वगैरह लेकर आऊँगी। मैं सोचा ये सब फिजूल खर्च है, 400-500 रुपये का कुर्ता आएगा, उसमें से मतलब सिलाई कराओ 80 रुपये वाला फिटिंग वाला ले लेगा, 200 रुपये की लेगी आएगी, 100 रुपये की चुन्नी। मैंने कहा छोड़ यार दीक्षा, अबे यार ये पागल है क्या, स्नैपचैट वाले बंदों को तमीज़ नहीं है भाई। भाई मत किया करो यार फ़ोन प्लीज़ भाई, सुबह 4 बजे कॉल आ जाती है, बताओ शर्म तो कर लो यार। तुम कहाँ फ़ोन कर रहे हो सुबह सुबह, कोई बंदा सो रहा होगा। मैं इतने सारे बंदों को ब्लॉक कर चुके हैं, मतलब लिटरली मुझे इतना तेज गुस्सा आता है कि मैं क्या बताऊँ यार। क्या भेज रहा है ये चौधरी, चलो वैसे बात करती हूँ। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे चाय पीने के लिए, और आज है संडे। तो हमारे घर के बाहर लगता है बाजार, और मेरे साथ है मेरा डोलू। मैं आपको बाजार दिखा देती हूँ, मछली बाजार की तरह भीड़ रहती है, मछली बाजार की तरह बहुत ही गंदी वाली। हम भी जाते हैं सब्जी, मतलब मैं क्या मम्मी जाती हूँ लेने के लिए। अभी दिखाती हूँ, होती है मेरी इनसे, मैं कैमरा गंदा हो रहा है यार।
तो शुरुआत हो रही है मेरी इनसे। और गाइस ये है हमारे यहाँ की बाजार। किसी को अपना ड्रीम हाउस चाहिए था गाइस, कॉन्टेक्ट हेयर नंबर स्क्रीनशॉट मार लेना। यहाँ ड्रीम हाउस मिलता है सब, रेंट वेंट अपना घर सपना घर सब कुछ ए टू जेड। तो गाइस प्लीज़ कॉन्टेक्ट हेयर। और ये हमारा गेट नीचे, बाहर ही बाजार खुलते हुए क्या नज़ारा है भाई। जैसे मनाली में गेट खुलते बर्फ़ आती है ना, तो हमारे यहाँ गेट खुलते ही सामने दाल चावल चड्डी बंडी सब ऐसी लगी होती है। तो बस यही है एक छोटा सा बाजार हमारे यहाँ, बहुत लंबा लगता है छोटा तो नहीं है। और ये अपना मस्त घूम रहा है भाई, नो टेंशन जिंदगी की। और एक आंटी अपना घूंघट बना रही है, वाह जी वाह। तो चलिए गाइस चाय इंजॉय करते हैं। मुझे आपको ये दिखाना था, देखो। अबे यार ये बस अपने बाहर मुँह निकाल लिया, करी कर ले, ये ले ले ये ले ले ये ले गाइस। ऐसे यहाँ से मुँह डालता है और पूरे नज़ारे देता है। हेलो बिल्लू, कब है होली? 8 तारीख को है, 8 तारीख को है बुद्धू। गाइस ये हमारे बाल आ गए प्यारे से, ये हमारे घर ही पले हैं। जब ये पैदा होते तो तब से हमारे घर का आना है। ये मेरा बैक कैमरा देख लो गाइस, वाह क्या सनसेट का व्यू आ रहा है, लाइक गोवा। डोली देखो खेलने चालू हो गया। गाइस मुझे चाय बहुत पसंद है, मैं एक दिन में कम से कम 4-5 बार तो चाय पी ली, मतलब पी ही लेती हूँ। आप भी बताना अगर आपको भी चाय पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा चाय पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे होली है तो ना यहाँ पे ये बैठे हुए हैं कलर वलर गुलाल वुलाल के, तो मैं सोच रही हूँ यहीं से ले लूँ। अब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से लूँ, अरे थोड़े बहुत ही तो चाहिए गुलाल वगैरह, तो यहीं से ख़रीद लेते हैं। अभी पापा से पैसे लेती हूँ सर, यहाँ से अभी कलर वलर गुलाल पिचकारी वगैरह ख़रीदते हैं। मैं आपको भी दिखाऊंगी जब मैं लूँगी। अब इनके पास ना बहुत ही सुंदर कलर है, ब्लू पर्पल, मतलब वीडियोज़ में अच्छा आएंगे, तो इसीलिए गाइस। डांस कर, डांस कर दीदी, फोटो बनाए, डांस करो, डांस करो। कैसे करते हो कैसे? तो गाइस पापा अभी बोल रहे कि हम लोग कल लेंगे होली का सामान, तो चलिए अब करते हैं व्लॉग को एंड। आई होप कि आपको पसंद आया, तो व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय राम राम जी, अल्लाह हाफिज़।